गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगण, हमेशा सूरज की तरह बनिए। सूरज पृथ्वी में एक है और सबों को अपनी रोशनी से जगमगा देता है। छतगण, सूरज की रोशनी सबों को प्रकाशमान तो करती ही है, जो भी इसके संपर्क में आता है वह भी प्रकाशमान हो जाता है। छतगण, सकारात्मक सोच, सबको सहयोग करने की एक सोच, सबों के प्रति अच्छा व्यवहार, सबों के प्रति जो है मन में दया और करुणा की भावना आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और आप जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। छतगण, कल के दिन आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और आपके अंदर में सहयोग की प्रवृत्ति, संवेदनशीलता, आम जनता के प्रति दुख दर्द का आभास होगा, तो आप निश्चित तौर पर एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी बनेंगे। आप निश्चित तौर पर आम जनता के लिए सहयोगी साबित होंगे। आप निश्चित तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार होंगे। यही होना भी चाहिए छतगण। छतगण, विगत कक्षाओं में पागल अभागा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जाना था। इस कक्षा में हम लोग छतगण जानेंगे दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो कि तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। छतगण, फिरोज शाह तुगलक हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में बड़े बड़े लाल पीले लाल हरा पेन से, है ना, लिखेगा। इसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक था। इसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक था। नेक्स्ट, इसका वास्तविक नाम गुस्सास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुस्सास्प, इसका नाम था गुस्सास्प। इसका वास्तविक नाम गुस्सास्प था। नेक्स्ट, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो, या जिसने, लिखेगा, जिसने हिंदू माता के गर्भ से, हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया था, जन्म लिया था। नेक्स्ट, इसके पिता रजब एवं माता बीबी जैला थी। नेक्स्ट, बीबी जैला राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी, रणमल की पुत्री थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए थे, नेक्स्ट, इसने 24 प्रकार के कष्टदायक करों को, 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था, नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट,
किसके शासनकाल में? कल में। सबसे ज्यादा दास या गुलाम थे, दास या गुलाम थे जिनकी संख्या 180,000 थी, 180,000 थी। दासों की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक विभाग, दीवाने बंदगान नामक विभाग स्थापित किया था, स्थापित किया था। नेक्स्ट, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, पदों को वंशानुगत बना दिया, अर्थात सैनिकों को वंश के आधार पर सेना में भर्ती करने लगा। नेक्स्ट, इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर दफ्तर इनवाइट कॉम अंडरलाइन छतगन दफ्तर नामक विभाग की स्थापना की थी। विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इसे शहरों एवं बाग बगीचों का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट, इसने राजकीय खर्च पर हज यात्रा की सुविधा दिलवाई थी। नेक्स्ट, इसने अनाथों, विधवाओं और लड़कियों के विवाह हेतु दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दारुल सफा गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दारुल सफा नामक अस्पताल की स्थापना इसने करवाई थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर
तथा नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई। छठ दिन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इस पर पहले निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। छठगन पूछेगा किसका वास्तविक नाम गुस्साश्व था, फिरोज शाह तुगलक का था। पूछेगा फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था, 1351 से 1388 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था, फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो हिंदू माता के गर्भ से, राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिया था, कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। छठगन फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में चचेरे भाई का ये था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे रजब और उनकी पत्नी बीबी जैला जो कि राजपूत शासक रणमल की पुत्री थी, उन्हीं के गर्भ से फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था, बीबी जैला के गर्भ से। ध्यान रखेंगे छठगन। छठगन दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि इसने काफी जन कल्याणकारी कार्य किए थे, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। पूछेगा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर नामक विभाग किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने खैरात नामक विभाग गरीबों, मजलूमों, अनाथों, विधवाओं, लड़कियों के विवाह के लिए किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। गरीबों को सरकारी अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दारुल सफा नामक सरकारी अस्पताल की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ध्यान रखिएगा छठगन, इसके समय में सबसे ज्यादा दास थे, 180,000 गुलाम या दास थे, इनकी देखभाल के लिए इसने एक अलग से विभाग स्थापित किया था छठगन, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। क्या नाम था छठगन, दीवाने बंदगान था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने बंदगान किस चीज का विभाग था, दासों का विभाग था, छठगन गुलामों का विभाग था। किस दिल्ली सल्तनत के शासक के समय सबसे ज्यादा गुलाम या दास थे, फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, इनकी संख्या कितनी थी, 180,000। इन गुलामों या दासों के विभाग का क्या नाम रखा गया था, दीवाने बंदगान नाम रखा गया था। इसे भी छठगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। छठगन दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, मनन करना है, अध्ययन करना है और एक एक चीजों का छठगन आपको स्मरण करना है, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए एक एक चीजों को छठगन ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों को याद रखिएगा। छठगन फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाता है, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था छठगन, है ना, ये इसकी धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त किया, दीवाने खैरात, रोजगार दफ्तर, दारुल शफा, दीवाने बंदगान जैसे विभागों की स्थापना की थी, है ना, ये भी इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जो कि धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पूछेगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने का कार्य दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसे शहरों और बाग बगीचों का निर्माता कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। छठगन 200 से भी ज्यादा शहर और 1200 से भी ज्यादा बाग बगीचों का निर्माण इसने करवाया था, सोचिए, इसलिए से शहरों एवं बाग बगीचों का निर्माता भी कहा जाता है। छठगन
ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया कर को आरोपित किया था। इसे भी छद्मगन आपको ध्यान रखना है, इसे भी मनन करना है, इसे भी याद रखना है और एक एक चीजों को छद्मगन गौर करना है ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन आए तो आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। एक एक चीजों को याद रखे छद्मगन। गुस्सास मेरा वास्तविक नाम है, मैं हिंदू माता के गर्भ से जन्म लेने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान हूं, है ना। मैं मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हूं, मुझे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, है ना। मैंने 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था, मैंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की, मैंने गुलामों या दासों का विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की, मेरे समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे जिनकी संख्या 180,000 थी, मैंने गरीबों विधवाओं कमजोरों अनाथों लाचारों और कन्याओं के विवाह के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की, मैंने चिकित्सा की सुविधा के लिए दारुल सफा नामक अस्पताल की स्थापना की जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती थी, है ना। मैं फिरोज शाह तुगलक हूं जिसे शहरों और बाग बगीचों का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, एक एक पॉइंट को याद रखना होगा, गौर कीजिएगा छात्रगण, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक देखेंगे छद्मगन, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, इसके समय दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य इतना छोटा हो गया था, इतना छोटा हो गया था कि यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, कि सहंसा की सल्तनत दिल्ली से पालम, दिल्ली में एक स्थान है पालम तक सिमट कर रह गई थी, दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। नेक्स्ट, इसके समय 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तथा 15 दिनों तक दिल्ली में खतरनाक लूटपाट एवं सामूहिक कत्लेआम की घटना को अंजाम दिया था, छद्मगन ध्यान देंगे क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। छद्मगन, किस शासक के शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि सहंसा की सल्तनत
दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। ध्यान रखिएगा, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। किसके बारे में कहा जाता है छात्रगण? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता है, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण। छात्रगण, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा, उसे भी अध्ययन कीजिएगा और एक एक चीजों को गौर कीजिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण आपसे पूछेगा, तैमूर लंग नामक आक्रमणकारी का आक्रमण भारत में कब हुआ? 1398 में हुआ था। छात्रगण, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। किस राजा का शासन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भारत का शासक था और यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। छात्रगण, तैमूर लंग ने 15 दिनों तक दिल्ली में भयंकर लूटपाट की और सामूहिक कत्लेआम मचाया था। इतिहास की सबसे दर्द विदारक घटना मानी जाती है छात्रगण यह घटना, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और तैमूर लंग का आक्रमण। छात्रगण, तैमूर लंग के सहयोग से ही भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी जिसका नाम था सैयद वंश, है ना। तो छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, सैयद वंश। सैयद वंश कार्यकाल था छात्रगण 1414 से 1451, 1414 से 1451। देखिए, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खां था, नेक्स्ट। खिज्र खां का कार्यकाल 1414 से 1421 तक था, 21 तक था। नेक्स्ट, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि रैयत ए आला, आला की उपाधि, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, धारण की थी। नेक्स्ट, इसने तैमूर लंग, लंग के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख, शाहरुख खान नहीं छात्रगण, ये तैमूर के पुत्र का नाम है, शाहरुख, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में, रूप में भारत में शासन किया था, शासन किया था। नेक्स्ट, खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश में निम्न शासक हुए, लिखिएगा, मुबारक शाह,
उत्साह। कार्यकाल लिखेंगे छठगन 1421 से 1434। नेक्स्ट लिखेंगे छठगन मोहम्मद शाह शाह। कार्यकाल लिखेंगे 1434 से 1443 1434 से 1443। नेक्स्ट लिखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। दस देख लिखेंगे छतगन अंतिम शासक सैयद वंश का अंतिम शासक शासक। नीचे लिखेंगे नोट सैयद वंश का सबसे महान शासक मुबारक शाह था क्योंकि इसने अपने नाम पर मुबारकाबाद नामक शहर स्थापित करवाया था या बनवाया था कर दीजिएगा मुबारकाबाद नामक शहर बनवाया था जो कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार यहिया बिन अहमद सरहिंदी मौजूद थे जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीखे मुबारक शाही की रचना की थी। तो यह है छतगन सैयद वंश और से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू। क्या सवाल आएंगे छतगन गौर कीजिएगा। छतगन तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था 1414 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक कौन था खिज्र खां का कार्यकाल कब से कब तक था 1414 से 1421। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी बल्कि रयत आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खां ने। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किसने किया था खिज्र खां ने किया था। छतगन ध्यान दीजिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन किया था। छतगन भारत का शासन चलाया था इसे भी आपको ध्यान रखना होगा इसे भी मनन करना होगा इसे भी याद रखना होगा इसे भी स्मरण करना होगा। छतगन सैयद वंश में जो जो शासक हुए थे उनके क्रम को भी आप याद रखिएगा क्रमानुसार सजाने के लिए आता है। छतगन खिज्र खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। पूछेगा खिज्र खां के बाद शासक कौन बने थे मुबारक शाह के बाद कौन बने मोहम्मद शाह के बाद कौन बने अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे अलाउद्दीन आलम शाह थे सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा मनन करना होगा एक एक चीजों को गौर करना होगा। छतगन दूसरा सवाल आपसे पूछेगा इसी क्रम में उसे भी ध्यान रखिएगा उसे भी गौर कीजिएगा उसे भी याद रखिएगा। पूछेगा
सैयद वंश के निम्न शासकों को क्रम से सजाएं। ऑप्शन दे देगा अलाउद्दीन आलम शाह, दूसरा दे देगा मुबारक शाह, तीसरा दे देगा मोहम्मद शाह, चौथा दे देगा खिज्र खां। तो छतगन, जब तक आपको नहीं मालूम रहेगा खिज्र खां के बाद कौन आ रहे हैं, मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद कौन आ रहे हैं, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद कौन आ रहे हैं, अलाउद्दीन आलम शाह, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा छतगन, अन्यथा प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन, दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे ध्यान रखिएगा, पूछेगा सैयद वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो मुबारक शाह था। छतगन, इसने दिल्ली में मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी यमुना नदी के तट पर, साथ ही साथ इसके दरबार में महान इतिहासकार यहया बिन अहमद सरहिंदी मौजूद थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीखे मुबारक शाही लिखी थी, जिसमें मुबारक शाह का इतिहास मौजूद है। छतगन, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए पैनी निगाहें होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को छतगन मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। इसके बाद छतगन हम लोग जानेंगे लोदी वंश के बारे में, है ना, कि लोदी वंश ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में शासन किया था, ध्यान रखिएगा लोदी वंश। छतगन, सैयद वंश के पश्चात हम लोग लोदी वंश का अध्ययन करेंगे। छतगन, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजवंश था जो कि अफगान था। छतगन, दिल्ली सल्तनत के प्रथम चार राजवंश, चाहे वह गुलाम हो, चाहे वह खिलजी हो, चाहे वह तुगलक हो, चाहे वह सैयद हो, सभी तुर्क थे, तुर्की थे, लेकिन अंतिम राजवंश लोदी वंश क्या था छतगन, अफगान वंश था, ध्यान रखिएगा। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ध्यान रखिएगा, है ना, लिखेगा छतगन, लोदी वंश हेडिंग बना लिया आपने अपने नोट्स कॉपी में, ऊपर में कार्यकाल लिख लेंगे 1451 से 1526, लिखिएगा छतगन, इस राजवंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, लोदी था। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य या प्रथम अफगान वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में की थी। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, लिया था। छतगन पूछेगा प्रथम अफगान राजवंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था, जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था, बहलोल लोदी था। छतगन, एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है। नेक्स्ट लिखेगा छतगन, हेडिंग बनाइएगा सिकंदर लोदी, कार्यकाल भी लिख लेंगे छतगन, 1489 से 1517, सिकंदर लोदी लिखे, यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, शासक था। नेक्स्ट, इसने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी नमक
पैमाने की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी। नेक्स्ट, इसने मोहर्रम के अवसर पर मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दिया था, नेक्स्ट, इसका वास्तविक नाम निजाम खां था, नेक्स्ट, यह गुलरुखी के उपनाम से कविताएं एवं शायरी लिखा करता था, नेक्स्ट, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, इसने मुस्लिम महिलाओं को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। यह संगीत का प्रेमी शासक था। क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक, सबसे महान शासक, सबसे शक्तिशाली शासक आप किसे मानेंगे? सिकंदर लोदी को मानेंगे। छतगन, गौर कीजिएगा। छतगन, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक एक लंबे कार्यकाल तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। छतगन, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था, कर कीजिएगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविता और शायरी लिखा करता था। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी के उपनाम से कविता और शायरी लिखा करता था? सिकंदर लोदी था। छतगन, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, पूछेगा, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। छतगन, गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसे आगे चलकर शेरशाह ने भी अपनाया था, और भूमि मापन की इस प्रणाली को शेरशाह ने भी अपनाया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, मुहर्रम के अवसर पर
मुसलमानों को ताजिया निकालने पर इसने रोक लगा दिया था। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी? सिकंदर लोदी ने रोक लगवा दी थी। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन यह एक संगीत प्रेमी शासक था और इसने अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में संगीत के ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया था। छतगन इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। छतगन मुस्लिम महिलाओं को संतों पीरों के दरगाह और मज़ारों पर जाने पर इसने प्रतिबंधित कर दिया था, रोक लगा दी थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी छतगन आगरा शहर की स्थापना। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के तट पर की थी छतगन, और आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। यह भी सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छतगन, ध्यान रखिएगा। तो छतगन सिकंदर लोदी के जितने भी कार्य हैं, चाहे गुलरुखी के उपनाम से कविता और शायरी लिखता हो, चाहे गजल सिकंदरी है ना, नमक एक भूमि मापन की पैमाना इसने शुरू किया हो, चाहे फरहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद करवाया हो, चाहे 1504 में आगरा शहर की स्थापना की हो और इसे अपनी दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया हो, चाहे इसने पीरों संतों के मज़ारों पर मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई हो और मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया हो, है ना, संगीत प्रेमी है और निजाम खां इसका वास्तविक नाम है, सारे चीजों को आपको छतगन ध्यान रखना होगा। एक एक चीजों से सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। अगला हेडिंग बनेगा छतगन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लिखे, यह दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। नेक्स्ट, इसके समय मुगल आक्रमणकारी बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तथा 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक एवं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तथा इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा
ताना शांगा ने आमंत्रित किया था। राणा शांगा ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुआ था। छगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के समय किस आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में बाबर से हार गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कहां हुआ था? हरियाणा राज्य में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। उसने दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का खात्मा कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था मुगल वंश। छगन, इब्राहिम लोदी के अपने ही बेगाने हो गए। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, पंजाब के सूबेदार या शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। छगन, इन लोगों का उद्देश्य था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आने वाली आंधी और तूफान भारत में ही डेरा डालने के लिए बिल्कुल तैयार थी। छगन, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त किया था, लौटते हुए शहीद हो गया था, रणभूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में ही लौटते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, कौन था? इब्राहिम लोदी था। छत्रगण, तो छत्रगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें। सभी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको छत्रगण ये याद रखना होगा। ये है छत्रगण दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अवस्था का पूरा परिचय और खाका आपके सामने मैंने मौजूद किया है, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगली कक्षाओं में छत्रगण हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की कला संस्कृति थी, कला संस्कृति अर्थात स्थापत्य कला, साहित्य के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की क्या उपलब्धियां थी, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे छत्रगण अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।